देखिए जो यहाँ पे हमारे सिया भाइयों की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी कि लगभग 32-33 साल से जो है एक गुरु बाजार से और डल गेट तक का जो 8वां मुहर्रम का जो प्रोसेशन होता था वो नहीं अलाउ किया जाता था। तो इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने सीरियसली इसको पहले से ही देख रहे थे कि क्योंकि ये बहुत एक सेंटिमेंटल मुद्दा रहा है हमारे शिया भाइयों का, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि इसको जो है अलाउ किया जाएगा कल, और ये एक हिस्टोरिक डिसीजन होगा और इसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने शिया भाइयों को और बाकी हमारी जो कश्मीर की जो आवाम है कि जो जाने जाते हैं प्यार मोहब्बत के लिए और जो अब तक नहीं हो पाया था, आज उन सब ने जैसा माहौल बनाया हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये डिसीजन लेने में आसानी हुई कि इसको अलाउ कर दिया जाए। इसमें बस एक ही ये बात रही है कि क्योंकि कल एक वर्किंग डे है और जो ये रूट है ये एमए रोड से होते हुए जाएगा, तो और लोगों को भी इससे कोई दिक्कत ना हो तो इसलिए इसकी टाइमिंग हमने जो है 6 बजे से लेके 8 बजे तक सुबह जो है इनको बोला है कि आप जो है साहब इसको सुबह आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा इंतजाम से रिलेटेड जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, चाहे साफ़ सफाई हो, वो एसएमसी को निर्देश दे दिए गए हैं। प्लस जो एम्बुलेंस जो है दो इस रूट पे रहेगी, एक वैसे तो छोटा ही रूट है, एम्बुलेंसेस भी हमने दो इस पे रखेंगे, पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी और लास्ट में डल गेट पे बसों की भी व्यवस्था हम करके रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एकदम साफ सुथरा और बहुत ही शांतिपूर्ण ये जो है जुलूस निकलेगा, और इसको देखते हुए, इसकी सक्सेस को देखते हुए जो आगे भी हमें डिसीजंस लेने हैं वो हमें और मदद मिलेगी। तो मेरे तरफ से सभी को ये मैं मुबारकबाद देता हूँ। माननीय एलजी साहब ने पूरे निर्देश दिए थे, चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला था कि हमें इसको देखना है और इनकी जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है इनको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे ना केवल इनके लिए भी ठीक हो बल्कि और आम जनता जो है उनको भी कोई परेशानी ना हो। थैंक यू। लेकिन इसके साथ ये भी कहूँगा कि अगर किसी ने इसमें गड़बड़ करने की कोशिश की तो भाई उससे को भी सख्ती से निपटा जाएगा। हालांकि हमें लगता है ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हम उसको भी बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। थैंक यू।